औज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप सब कैसे हो? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू हैदराबादी मज़ेदार पकवान और मेरा नाम है सैदा। नाज़रीन, आज मैं लेकर आई हूँ काबुली चनों की बिरयानी, यानी कि चिक पी। इसे इंग्लिश में चिक पी कहते हैं। यहाँ मैंने बड़े चने यानी काबुली चने ले लिए, उसे रात भर के लिए भिगने रख दिया था और मैं इसे कुकर में डाल के एक सीटी में इसे निकाल लूँगी, पानी भी नमक डाल के। अगर रात में बनाना है तो दिन भर भिगने रखे, और दिन में बनाना हो तो रात भर के लिए भिगने रखे। यहाँ पे मैंने प्याज तल लिया है और हमारे भी चने भी एक सीटी में उबल चुके हैं। अब उबले हुए चनों को यानी कि काबुली चनों की अखनी बनाना है हमें। ये तली हुई प्याज, जिंजर गार्लिक पेस्ट, हल्दी, मिर्ची, नमक, गरम मसाला, धनिया पाउडर, कोथमीर, पुदीना, हरी मिर्ची और दही, साथ ही में नींबू का रस, सभी इंग्रेडिएंट्स डाल के इसे अच्छी तरीके से हमें मिलाना है। यहाँ पे मैंने बासमती चावल लिया है, इसमें नमक भी गरम मसाला डाल के इसे मैं पका लूँगी। और यहाँ पे मैंने अखनी के ऊपर तेल डाला है, जो कि मैंने प्याज तल के छोड़ दिया था तेल, वही तेल मैंने यूज़ किया है। हमारे चावल भी आ चुके हैं और चावल को मैं इस तरीके से ऊपर डाल दूँगी अखनी के ऊपर। यहाँ मैंने ज़ाफ़रान का पानी यूज़ किया है, यानी कि केसर का, और साथ ही में मैंने थोड़ा कलर भी ऐड किया है। ऑप्शनल है, चाहे तो डाले या तो छोड़ दे। और मैंने यहाँ पे घी डाला है, असली घी यानी कि होममेड घी, और साथ ही में मैंने यहाँ पे एक कप दूध भी डाला है। और यहाँ मैंने एल्यूमिनियम फॉयल से पूरी अच्छी तरह से इसे कवर कर दिया है, ताकि हमारा जो भी भाप है वो बाहर साइडों से कहीं ना निकले। कोई आटा लगाते, कोई कपड़ा लगाते, या मैंने एल्यूमिनियम फॉइल यूज़ किया है। और वज़न के लिए यहाँ मैंने कुकर रख दिया है। आधे घंटे के बाद चेक कर लेंगे। देखिए, हमारे काबुली चनों की बिरयानी बन चुकी है। नाज़रीन, कैसी लगी आज की हमारी रेसिपी, ज़रूर बताइएगा। कमेंट्स में भी अपनी राय मशवरे ज़रूर दीजिएगा, और हमारे चैनल को यानी कि हैदराबादी मज़ेदार पकवान को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन हमेशा दबाए रखें। और जो नए हैं इस चैनल में, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारा वीडियो पूरा अंत तक यानी कि एंड तक ज़रूर देखें। फिर मिलेंगे नाज़रीन, फिर कुछ नई रेसिपी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखें।